बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बड़े ही प्यारे लबो लहजे में मद्दा है रसूल शायरी अहले सुन्नत भाई साजिद रजा मोहम्मदाबादी साहब की जबानी हमने बड़ी अच्छे अंदाज में नाते पाक और मनकबत के अशआर समाअत किए। शायर कहता है कि सजदे का वक्त आया तो ठहरे नज़ीन पर। साजिद भाई, हसन भाई, सकलैन भाई, जितने भी अहले इल्म हज़रात मिंबरे नाज़ पर तशरीफ फरमा, अब शेर देखें और समझ करके बोलिएगा। जब साजिद भाई ने यहाँ हुसैनी रंग बना ही दिया है तो मनकबत के कुछ मिसरे इस नाचीज से समाअत करें कि शायर कहता है कि सजदे का वक्त आया तो ठहरे नज़ीन पर। सजदे का वक्त आया तो ठहरे नज़ीन पर। एहसान और बढ़ गया शब्बीर का दिन पर। सजदे का वक्त आया तो ठहरे नज़ीन पर। एहसान और बढ़ गया शब्बीर का दिन पर। अब दहशत से मर ही गई होती ये फौजे यज़ीद। दहशत से मर ही गई होती ये फौजे यज़ीद। अब्बास हाथ रख देते अगर आस्तीन पर। दहशत से मर ही गई होती, दहशत से मर गई होती ये फौजे यज़ीद। अब्बास हाथ रख दे अगर आस्तीन पर। और जब सरकार नन्हे असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मैदाने कर्बला में तशरीफ ले गए तो वो सरकारी इमाम अली मकाम की गोद में थे। जमीन हैरत से देख रही थी कि कैसे नन्हे असगर का इस्तेकबाल किया जाए। आसमान देख रहा था कि कैसे नन्हे असगर का इस्तेकबाल किया जाए। पूरा कर्बला जमा हुआ था कि कैसे नन्हे असगर का इस्तेकबाल किया जाए। अब शेर मैं पढ़ करके बताता हूँ, अब हुसैनियों अब सुन करके बताना कि सजदे के वक्त आया तो ठहरे नज़ीन पर। एहसान और बढ़ गया शब्बीर के दिल पर। दहशत से मर ही गई होती ये फौजे यज़ीद। दहशत से मर ही गई होती ये फौजे यज़ीद। अब्बास हाथ रख देते अगर आस्तीन पर। अब बेचैन थी जमीन के चश्मे निकाल दो। बेचैन थी जमीन के चश्मे निकाल दो। असगर ने पांव ही नहीं रखा जमीन पर। बेचैन थी जमीन, बेचैन थी जमीन के चश्मे। नारे इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी, जनाब सैफ रजा रज़वी। आ जाए बात का मजहर समझ नहीं आता। आ जाए बात का मजहर समझ नहीं आता कि कम दिमागों को हैदर समझ नहीं आता। ये इल्म की बातें हैं पूछ आलिम से। ये इल्म की बातें हैं पूछ आलिम से। ये भन पीते मलंगों को क्या अली का पता। नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता, वगरना मिलता नहीं दुनिया में किसी का पता। ये इल्म की बातें हैं पूछ आलिम से। ये भंग पीते मलंगों को क्या अली का पता। जब बात मौला अली की चली है, शायर कहता है कि जब अली के नाम के सदके मयसर हो गए, हम हमारे सामने कौनैन के सर हो गए। जब अली के नाम के सदके मयसर हो गए, हम हमारे सामने कौनैन के सर हो गए। और काट कर मरहब को बोली ज़ुल्फ़िकारे हैदरी, वज़न करके देखने टुकड़े बराबर हो गए। काट कर मरहब को बोली ज़ुल्फ़िकारे हैदरी, वज़न करके देखने टुकड़े बराबर हो गए। कर्बला से आवाज आती है कि हक का साथ दो। कर्बला से आवाज आती है हक का साथ दो। सात दो को गौर से देखा तो 72 हो गए। सात दो को गौर से देखा तो 72 हो गए। बस आइए दिल थाम करके बैठे। बड़ी अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ खतीबे दौरा माहिरे दरसियात हमदर्द कौम मिल्लत खतीबे
بےمثال واعظ شری مکان حضرت علامہ و مولانا شاہ فیض اللہ مصباحی صاحب سے جن کا تعلق جھارکھنڈ کی سرزمین سے ہے، میں بڑی ادب کے ساتھ حضرت سے ملتمس کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی نورانی حقانی عرفانی خطاب سے ہم سامعین کو نوازے۔ میں اکیلا پکاروں، یہ میری اوقات نہیں ہے، اگر میری آواز میں آپ اپنی آواز ملا دیں تو ایک رنگ بن جائے گا اور میری حوصلے کی افزائی بھی ہو جائے گی۔ محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، ابھی بھی آوازیں کم ہیں کہ مجھ کو سرکار کی الفت میں فنا کر یا رب، میرا انداز زمانے سے جدا کر یا رب، کاش شبیر کے لشکر میں جگہ ملتی مجھے، کاش ہو جاتے 72 سے 73 یا رب۔ اس عقیدت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ خدا کی قسم ہمارا ایمان بڑھے گا۔ ہماری قوم کا محافظ ہے خداوند، جتنا کاٹو گے اتنا مسلمان بڑھے گا۔